लंदन के लिए जब रवाना हो गए, जब बाबा साहब अंबेडकर लंदन के लिए रवाना हो गए, तो वहां गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। उस कॉन्फ्रेंस का जो आउट का माना था वो नहीं आ पाया। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और बाबा साहब अंबेडकर की मांग का उन्होंने विरोध किया और गांधी जी ने कहा, यदि अंग्रेज लोग मुझे आजादी देना चाहते हैं, अगर वो मुझे आजादी देना चाहते हैं तो उस आजादी में अछूतों को क्या अधिकार देना है और क्या अधिकार देना नहीं है वो हम निर्धारित करेंगे, उनको हम निर्धारित करेंगे, अंग्रेज नहीं। बाबा साहब अंबेडकर के सामने उन्होंने ये बात कही। बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी का प्रतिवाद किया और गांधी जी की एक एक करके सारी दलीलें उन्होंने काउंटर की। अंग्रेजों ने उनकी बात को स्वीकार किया और जब स्वीकार हो रही थी तो गांधी जी ने मीटिंग को कुछ देर के लिए स्थगित करने की मांग की। स्थगित मीटिंग हुई, रात में मुसलमानों का जो डेलीगेशन था उसका नेतृत्व मौलाना शौकत अली कर रहे थे। मौलाना शौकत अली को गांधी जी ने अपने यहां खाने के लिए बुलाया और मौलाना शौकत अली को खुश करने के लिए जो खाना खिलाया जाना चाहिए मुसलमानों को वो भी खिलाया। और बाद में गांधी जी ने उनके सामने प्लेन पेपर पर लिखा कि आपकी जो भी मांगे है मंजूर है, नीच साइन कर देता हूं, आपको जो मांगने मांगो। मुसलमानों के नेताओं को बड़ी हैरानी हुई, ये बनिया आदमी लेना जानता है देना नहीं जानता, ये इतना दरिया दिल कैसे हो गया। तो मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को पूछा कि गांधी जी इस दरिया दिली के बदले मुसलमानों को क्या करना होगा। तो गांधी जी ने कहा कुछ ज्यादा करना नहीं होगा, कल मीटिंग होगी, डॉक्टर आम्बेडकर जो मांग कर रहे हैं उसका विरोध करना होगा, बस और कुछ नहीं। मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को नमस्कार किया और सीधे बाबा साहब अंबेडकर जहां रुके थे वहां गए और बाबा साहब अंबेडकर को बता दिया कि गांधी जी ने ऐसा षड्यंत्रकारी प्रस्ताव हमारे सामने रखा। बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को चेतावनी दी कि अगर गांधी जी इसी तरह से षड्यंत्र हमारे लोग के विरोध में करते रहे तो दुनिया के मंच पर गांधी जी को नंगा करने को हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और वैसे कमर के ऊपर कपड़ा था नहीं और घुटने के नीचे भी कपड़ा नहीं था तो बाबा साहब अंबेडकर को गांधी जी को नंगा करने को ज्यादा परिश्रम बहाने की जरूरत नहीं थी। तो दूसरे दिन मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले राजा और रेमसे मैकडोडाल ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप जिस मकसद के लिए आपने मीटिंग स्थगित की थी क्या वो काम हो गया? वो काम तो किए नहीं, षड्यंत्र करने के लिए गांधी ने इस्तेमाल किया। जब गांधी ने षड्यंत्र करने के लिए इस्तेमाल किया तो वो विफल हो गए और फिर अंग्रेजों ने अपना प्रस्ताव आगे बढ़ाया, गांधी ने उस पर साइन किया, बाबा साहब ने साइन करने से इनकार कर दिया और कम्युनल अवार्ड 17 अगस्त 1932 को घोषित हुआ और बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा मांगी हुई सेपरेट इलेक्टोरेट की बात को मंजूरी मिली। भारत के 2,500 साल के इतिहास में ऐसी अभूतपूर्व घटना घटित हुई। उस समय बाबा साहब अंबेडकर की उम्र केवल 41 साल की थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, केवल 41 साल की उम्र थी और इस 41 साल के उम्र में बाबा साहब अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट का अर्थ यह है, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने के पहले अछूतों के भविष्य का फैसला करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। अछूतों का भविष्य क्या हो इसका निर्णय करने का अधिकार ब्राह्मणों के नियंत्रण में था, मगर 17 अगस्त 1932 को
अछूतों के भविष्य का निर्णय करने का अधिकार अब ब्राह्मणों के हाथ में नहीं रहेगा। अछूतों के लिए सेपरेट चुनाव क्षेत्र होगा और उस चुनाव क्षेत्र में अछूत ही अछूतों के प्रतिनिधि चुनने के अधिकारी होंगे। इस तरह से अछूतों को ब्राह्मणों के गुलामी से बाबा साहब अंबेडकर आजाद करने में सफल हो गए। गांधी जी 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, मगर अछूत लोग ब्राह्मणों के गुलामी से 17 अगस्त 1932 को आजाद हो गए। 17 अगस्त 1932 अछूतों के आजादी का दिन था। इस आजादी को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया, पुनः पैक थोपा और फिर 1935 के एक्ट में उसको कानून बनाया गया। तो यह सारा षड्यंत्र इस बात को सिद्ध करता है कि यदि गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन होता तो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा हासिल किए हुए अधिकारों के विरोध में गांधी जी उपवास नहीं करते। मगर गांधी जी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था, इस उदाहरण से सिद्ध होता है। सेकंड इंडिया एक्ट के आधार पर 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में गांधी जी ने जो वादा किया था बाबा साहब अंबेडकर को कि सेपरेट इलेक्टोरेट में अछूतों के विरोध में कांग्रेस कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, मगर कांग्रेस ने अछूतों के विरोध में कैंडिडेट खड़े किए और गांधी जी ने षड्यंत्र किया। बाबा साहब अंबेडकर ने किताब में लिखा कि गांधी जी ने जेंटलमैन प्रॉमिस, एक सज्जन गृहस्थ का जो वादा है उसका वादे का उल्लंघन किया, तोड़ा, तो इससे लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार खत्म हो जाएगा, दलाल और भड़वे पैदा हो जाएंगे। ये सोचकर बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने का ऐलान किया और 37 से 42 तक सारे देश भर में दौरा किए और नागपुर में 1942 को 18, 19, 20 जुलाई 1942 को बाबा साहब अंबेडकर ने राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन को संपन्न होने के पहले ही बाबा साहब अंबेडकर को दिल्ली बुलाया गया और सेंट्रल में जो अंग्रेजों की वाइसराय काउंसिल की सरकार थी उस सरकार में उनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया और उसके साथ साथ 4 विभाग के मंत्रालय उनको दिए गए, लेबर, सिंचाई, सीपीडब्ल्यूडी और बिजली। 4 विभाग का कैबिनेट मंत्रालय है, अभी 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब अंबेडकर को दिया गया। और जब उनको इतना सारा अधिकार मिला तो 13 अगस्त 1943 को पहला रिजर्वेशन का ऑर्डर, लोगों को यही मालूम है कि संविधान लागू होने के बाद रिजर्वेशन लागू हुआ, गलत बात है। 13 अगस्त 1943 को 8.33% का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों से ऑर्डर निकलवाया जब वो मिनिस्टर थे। मिनिस्टर वो जुलाई 42 को बने और 13 अगस्त 43 को उन्होंने 8.33 का रिजर्वेशन लागू किया। इसके विरोध में गांधी जी ने सोचा, जब बाबा साहब अंबेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया तो गांधी जी ने सोचा हमारे स्तमक तो लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी आजादी का शायद 75वां साल चल रहा है और देश नरेंद्र मोदी इसका 75 साल लोग मनाएंगे, तो इसलिए यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया गांधी जी को लगा, अरे 24 सितंबर 1932 को जिस आदमी को मैंने परास्त कर दिया था पुना पैक्ट, वो आदमी इतना ताकतवर हो गया
कि राज्य की राजनीति तो छोड़ो, केंद्र की राजनीति में चार चार मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। तो गांधी जी ने सोचा कि यदि इसी तरह से अंग्रेज भारत में रहेंगे तो इन लोगों को अधिकार देते रहेंगे, जल्दी से जल्दी कुछ कार्रवाई करनी होगी। जुलाई 18, 19, 20 जुलाई 1942 और 9 अगस्त 1942, 3 हफ्ते का समय, ज्यादा समय नहीं लगाया गांधी जी ने। 3 हफ्ते के समय के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया अंग्रेजों के विरोध में, और गांधी जी ने सोचा कि मेरे अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा अंग्रेजों के नाक पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ सकती, इसलिए मुझे अहिंसा का त्याग करना होगा और हिंसा का सहारा लेना होगा। और गांधी जी ने डोर डाय का नारा लगाया, करो या मरो, देशव्यापी हिंसा करने का आदेश दिया। 9 अगस्त 1942 को देशव्यापी हिंसा हुई, इतनी भयंकर हिंसा हुई कि अंग्रेजी अधिकारियों ने लंदन को रिपोर्ट भेजा। चर्चिल प्रधानमंत्री थे, वो कभी भारत के आजादी के बारे में बातचीत करने के लिए राजी नहीं होते थे, मगर जब रिपोर्ट भेजा गया कि भारत का जितना रेवेन्यू मिलता है सारा का सारा रेवेन्यू अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चा कर दिया जाए तो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना संभव नहीं होगा, अगर लंदन से भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैसा लाया जाए तो फिर तो अंग्रेजों को लंदन से भारत में पैसा लाना पड़ेगा, हमको तो भारत से लंदन में पैसा लेकर जाना चाहिए। यदि लंदन से भारत में पैसा लाना पड़े फिर तो भारत को गुलाम बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है और अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए। जब अंग्रेजी अधिकारियों ने ऐसा लिखा तो चर्चिल भी गंभीर हो गए और चर्चिल ने इस फिर अंग्रेजों को बोला कि इनके साथ वार्ता करो, आजादी पर वार्ता शुरू हुई। गांधी जी जेल में थे तो लॉर्ड वेवेल ने जब गांधी ने चिट्ठी लिखी कि आप तो हमें आजादी देने की बात कर रहे थे, क्या हुआ? तो वेवेल ने कहा, हम तो देने के लिए अभी भी तैयार है, मगर क्या आप शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, बैकवर्ड क्लासेस को और माइनॉरिटी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार हो, संवैधानिक सुरक्षा कवच देने के लिए तैयार हो? गांधी जी ने लिखित जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। कोई संवैधानिक सुरक्षा कवच देने के लिए गांधी जी तैयार नहीं हुए। जब ये चिट्ठी गांधी जी को लॉर्ड वेवेल को मिली तो लॉर्ड वेवेल ने यह सारा पत्र व्यवहार अखबार वालों को दे दिया, जो सीक्रेट पत्र व्यवहार था वो सारा का सारा सार्वजनिक हो गया और लोगों को मालूम हो गया कि आजादी का सारा केक अकेले ही गांधी जी खाना चाहते हैं और किसी और को कोई भी देना नहीं चाहते हैं। जब लोगों को ये मालूम हुआ तो मुसलमानों ने अलग आंदोलन शुरू कर दिया, दूसरे लोगों ने अलग आंदोलन शुरू कर दिया। जब मुसलमानों ने बड़ा डायरेक्ट एक्शन का कार्यक्रम शुरू किया, जब डायरेक्ट एक्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ तो गांधी जी ने और नेहरू जी ने सोचा, हम ब्राह्मण बनिया लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण बनिया लोग हैं, मुसलमान और मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों के सामने अपनी चमड़ी बचने वाली नहीं है, ऐसे स्थिति में क्या किया जाए? ये गांधी जी और नेहरू जी ने सोचा और फिर अंग्रेजों ने
लंदन में दूसरा परिवर्तन हुआ, वहां लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जल्दी से जल्दी भारत को आजाद करने का फैसला किया। उन्होंने लॉर्ड वेवेल के लेवल को गवर्नर जनरल रखेंगे तो काम होगा नहीं, इसलिए लॉर्ड वेवेल को बदलकर माउंटबेटन को लाया गया और माउंटबेटन के माध्यम से 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाम भारत में प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया गया। अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को 2 सितंबर 46 को 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, मगर जवाहरलाल नेहरू को 2 सितंबर 46 को देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया गया। और नॉमिनेट करने के बाद ये सारा गुप्त सौदेबाजी हुई और इस गुप्त सौदेबाजी के तहत भारत का विभाजन करवाया गया और इस विभाजन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकारों का बलि दिया गया, जिन अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जब हम भारत छोड़कर जाएंगे तो उनको आजाद भारत में सत्ता में हिस्सेदारी दी जाएगी। गांधी जी ने और नेहरू जी ने मिलकर अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता किया कि यदि अंग्रेज लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सेपरेट इलेक्टेड देने के लिए राजी नहीं होते हैं तो फिर हम भारत के टुकड़े करने के लिए आपको रजामंदी देते हैं। यानी एससी और एसटी के लोगों को अगर आप अधिकार देने के लिए मना करते हो तो हम भारत के टुकड़े करने की आपकी योजना स्वीकार करते हैं। ये समझौता हुआ। इसका मतलब यह है कि इस देश का टुकड़े करने का निर्णय गांधी जी और नेहरू जी ने पसंद किया, मगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अधिकार देने के लिए मना कर दिया। इसके तहत 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना, इसलिए मैं कहता रहता हूं पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी है। कोई माने ना माने मगर पाकिस्तान का राष्ट्रपिता गांधी जी ही है। भारत के पार्लियामेंट ने, भारत के संविधान सभा ने गांधी जी के इस भयानक कार्य के लिए उनको माफ नहीं किया और उनको राष्ट्रपिता मानने वाला प्रस्ताव पारित नहीं किया। उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने होम मिनिस्टर को पूछा, राजनाथ को, कि गांधी जी को कौन से तारीख को राष्ट्रपिता घोषित किया गया बताया जाए। होम मिनिस्टर ने लिख के जवाब दिया, इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं। गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने वाला कोई दस्तावेजी एविडेंस नहीं, मगर पाकिस्तान बनाने का दस्तावेज उपलब्ध है, इसलिए दस्तावेज के आधार पर मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता पाकिस्तान का मानने के लिए तैयार, कोई माने ना माने। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, लोगों का अधिकार का बलि दिया गया। जब बलि दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर लंदन गए, वहां उनकी बात नहीं सुनी गई। वहां बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास करने के बाद एक बड़ा दबाव पैदा हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बयान दिया बॉम्बे आकर कि हम ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है जिस संविधान को, जो संविधान हमारे लोगों को सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं, हम ऐसे किसी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं। जब ऐसा बयान दिया बाबा साहब अंबेडकर ने, तब नेहरू जी माउंटबेटन के पास गए और उनको कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बयान दिया, इसका कोई ट्रांसफर ऑफ पावर पर असर पड़ेगा क्या? माउंटबेटन ने कहा, पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है।
इसका रास्ता क्या है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तब तो जवाहरलाल नेहरू रियल प्रधानमंत्री बनते। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन को पूछा क्या किया जाए। माउंटबेटन ने कहा डॉक्टर आंबेडकर से समझौता कर। ये सलाह लेकर जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए और गांधी जी को कहा कि माउंटबेटन का यह सलाह है, क्या किया जाए। गांधी जी ने कहा डॉक्टर आंबेडकर के साथ समझौता करना बहुत खतरनाक है। जवाहरलाल ने पूछा कैसे। जवाहरलाल तुम जानते नहीं हो, पूना पैक के दौरान मरते मरते बच गया था। तुम अंबेडकर को जानते नहीं हो, मैं ऐसा नजदीक बैठकर जानता हूं, तुमको तजुर्बा नहीं है, इसलिए अंबेडकर के साथ समझौता करना मोल तोल करना आसान काम नहीं है। वो केवल पढ़ाई लिखाई में ही बैरिस्टर नहीं है, दिमाग में भी बैरिस्टर है। फिर जवाहरलाल जी ने पूछा क्या किया जाए, अगर ऐसा है तो क्या किया जाए। तो गांधी जी ने जवाहरलाल को सलाह दिया, ऐसा करो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका चेयरमैन बना दो। तो इससे क्या होगा, डॉक्टर अंबेडकर को जैसा संविधान चाहिए वैसा वो लिखेगा। 99.99% संविधान सभा में बहुमत हमारा है, ड्राफ्ट लिखने का अधिकार हम अंबेडकर को दे रहे हैं। लिखा हुआ संविधान जैसे के वैसे मानने के लिए थोड़ी रजामंद हो गई, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना रहे कि लिखने का काम तुम करो, पास करने का काम तो हमारे पास ही है, बहुमत हमारे पास है, जितनी बातें हमारे लिए अनुकूल होगी उतनी पास करेंगे, जितनी बात अनुकूल नहीं रहेगी उतनी बात हम लोग पास नहीं करेंगे। और जितनी पास करेंगे उतनी 26 जनवरी 1950 के बाद फिर सरकार हमारी ही होगी, बहुमत भी हमारा ही होगा। जो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है उस पर कितना अमल करना और कितना अमल नहीं करना ये हमारे ही नियंत्रण में है। जवाहरलाल जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जवाहरलाल जी ने मन ही मन सोचा कि बुढ़हू साला गांधी बूढ़ा हो गया है मगर दिमाग अभी भी तेज है। और फिर जवाहरलाल जी ने वही किया, संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने जैसा चाहिए वैसा बनाने की कोशिश की, पूरी तरह से तो सफल नहीं हुए ऐसा उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा संविधान सभा के, मगर जो भी संविधान बना उसमें हमारे लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले। पहली बात तो संविधान का प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन घोषित करता है ये संविधान सभा समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। ध्यान रखो मैं सब लोगों को जो बता रहा हूं जो लोग सुन रहे हैं, अब आ गया बाबा साहब अंबेडकर के जीवन का मकसद आ गया। उनके जीवन का मकसद क्या था कि इस देश को देश में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा समाज और ऐसा राष्ट्र निर्माण करना है जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित होगा, जिसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिसके लिए अपने अनुयायियों को वो कह रहे थे कि तुम भी इसको हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा दो। और इसलिए ये बात खास तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को
शेड्यूल कास्ट को 15%, 7.5% आदिवासियों को और 52% ओबीसी के लोगों को भी अधिकार देने का जब प्रयास किया, उस अधिकार को देने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अवरोध खड़ा किया कि आप अंबेडकर, आप अनुसूचित जाति और जनजाति के ज्यादा से ज्यादा नेता हो, ओबीसी के नेता आप नहीं हो, ओबीसी के नेता गांधी जी है और गांधी जी ओबीसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे देने की। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, एक भी ओबीसी के आदमी को गांधी ने कांग्रेस का टिकट नहीं दिया। ऐसा नहीं कि ओबीसी के लोग लायक नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस हाईकमान में थे, मगर गुजरात के लेवा और कड़वा पटेल पाटीदार लोग आज भी मंडल कमीशन के ओबीसी की लिस्ट में शामिल नहीं है, है क्या शामिल है? तो खास बात समझा रहा हूं, ये अधिकार शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, ओबीसी के लोगों को देने की कोशिश की, उसको सेबोटेज करने की कोशिश की। उनके कुछ नेता लोग थे, उनको घर में बुलाया, समझाया, संविधान सभा में मांग करो कहा, इसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने उसको रोकने की कोशिश की और रिकॉर्ड में है, संविधान सभा के रिकॉर्ड में है। इसके बावजूद भी 340वां आर्टिकल अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए लाने में बाबा साहब अंबेडकर कामयाब हो गए और बाद में जब वो लेबर मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, जब लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, बाहर जाकर उन्होंने ओबीसी के लोगों का मामला खड़ा कर दिया आर्टिकल 340 के तहत। और उसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन के बदौलत नेहरू को मजबूर होकर कालेरकर कमीशन नियुक्त करना पड़ा। बैकवर्ड क्लास के लोगों को यह जानकारी नहीं है, जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले, जानने वाले और जय जयकार करने वाले जो लोग हैं, वो भी उनको बताने की कोशिश नहीं करते, समझाने की कोशिश नहीं करते। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जानना समझना बहुत जरूरी है, वो है फंडामेंटल राइट। अगर मनुस्मृति पढ़ो तो मनुस्मृति में सारे शूद्रों को मौलिक फंडामेंटल राइट से वंचित कर दिया है मनुस्मृति ने। वो सारे फंडामेंटल राइट चैप्टर नंबर 3 में बाबा साहब अंबेडकर ने इंक्लूड कर दिए। वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं ब्राह्मण धर्म के अनुसार, वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट तो अछूत है, शूद्र नहीं है तो अछूत है। तो शूद्रों के विरोध में जो मनुस्मृति में फंडामेंटल राइट वायलेशन कर दिए, खत्म कर दिए, उस फंडामेंटल राइट को चैप्टर नंबर 3 में बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी तरह से डाल दिया। और ये अधिकार बाबा साहब अंबेडकर, जो जो भी ब्राह्मणों के विशेषाधिकार थे भारत के संविधान में, विशेष बात बताना चाहता हूं, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबके सर पर बैठा हुआ है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में क्या किया मालूम है? ब्राह्मणों के बारे में क्या किया? ब्राह्मणों के बारे में लिखा, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इंक्लूडिंग ब्राह्मिंस। समझने की ये जो ड्राफ्टिंग है, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण केवल भारत का सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। ब्राह्मण शब्द का कहीं पर भी संविधान में रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, खत्म कर दिया, विशेषाधिकार खत्म कर दिया। किसी भी राजा को राजा बनने के पहले ब्राह्मण के हाथों राज्याभिषेक करना पड़ता था। बाबा साहब अंबेडकर ने यह अधिकार राष्ट्रपति को बहाल, राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट का भी हो सकता है, हो सकता नहीं, दो दो बार हो गया।
तो ये अधिकार सारे संविधान में उन्होंने किया। और इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूं, ये तमाम बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाने वाले जो लोग हैं, इस मौके पर बताना चाहता हूं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो काम करना है, जय जयकार करने से तो नहीं होगा, फिर कैसे होगा? राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा, स्वाभिमानी स्वावलंबी संगठन का निर्माण करना होगा राष्ट्रव्यापी। तो हमने 31 राज्यों में, 562 जिलों में, 4000 तहसीलों में, 22000 ब्लॉक में, 1.5 लाख गांव में इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया है। कई भाषाओं में हमारे अखबार चल रहे हैं, 4 करोड़ रुपया तो हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं पर साल में खर्चा करते हैं। 2-3 बातें बता रहा हूं, बहुत सारे और काम हमारे पास है जो हम कर चुके हैं और आने वाले समय में ये जो इतना बड़ा विशाल संगठन हमने बढ़ाया, मैं 19 साल की उम्र से, अभी 64 साल की उम्र चल रही है, 44 साल से पढ़े लिखे लोगों को जगाने का काम किया और जगाकर एक राष्ट्रव्यापी संगठित शक्ति का निर्माण किया। इतनी बड़ी शक्ति का निर्माण किया कि 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया, 29 जनवरी 2020 को दोबारा भारत बंद किया, दो बार भारत बंद किया और टेस्ट किया कि हमारा संगठन कितना विशाल हो गया है, उसकी कितनी बड़ी ताकत हो गई है। दो बार भारत बंद किया, कामयाब हो गए। तो हमने इतना बड़ा जगाने का 44 साल काम किया, फिर संगठन निर्माण करने का काम किया, एक तो जगाने का, फिर संगठन निर्माण करने का, और अब जनशक्ति को जगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बड़ा परिवर्तन करना है, अगर देश में बड़ा परिवर्तन करना है तो अकेले संगठित शक्ति के बल पर नहीं होगा, संगठित शक्ति के साथ साथ जनशक्ति को जोड़ना होगा। विशाल जो हमारा संख्या का समाज है, सारे देश भर में फैला हुआ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये जो विशाल समूह है, एससी मोस्ट बैकवर्ड, एससी एक्सट्रीम बैकवर्ड, एससी आदिवासी, नॉमिनिक ट्राइब, घुमंतो, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये जो तमाम प्रकार के लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को हमने इकट्ठा किया है। अब इस शक्ति का पूरे ताकत के साथ हमारे लोगों को चाहिए कि वो जनशक्ति का निर्माण करे, संगठन शक्ति और जनशक्ति मिलाकर बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बड़ा बदलाव लाने के लिए जनशक्ति के निर्माण किए बगैर बड़ा बदलाव संभव नहीं है, इसलिए बड़ा बदलाव लाने के लिए गांव गांव में जाना होगा। 6.5 लाख गांवों में और 15 लाख बूथ पर आने वाले समय में हम लोगों को हमारा काम 10 साल में पूरा करना है, केवल 10 साल। और जब 10 साल में हम 15 लाख बूथ तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? अगर 15 लाख बूथ पर पहुंच जाएंगे और एक बूथ पर 10 लोगों को तैयार किया तो 1.5 करोड़, 100 लोगों को तैयार किया तो 15 करोड़, 200 को तैयार किया तो 30 करोड़, 300 को तैयार किया तो 45 करोड़, इतने लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया को साथ में जोड़ दिया तो ये विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ऐसा करना होगा और ऐसा करने से क्या हो सकता है, आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं। काशीराम जी ने सेमीफाइनल किया, अब हम फाइनल करेंगे। काशीराम जी ने सेमीफाइनल किया, अब हम फाइनल करेंगे। ज्यादा समय नहीं है, 10 साल का समय,
दस साल में ये बड़ा बदलाव इस देश में, तुम लॉकडाउन लगाओ या कुछ भी करो, अब ये परिवर्तन रुकने वाला नहीं है। ये काम हम हर हालत में करके रहेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बहुत समय हो गया, 7:07 को मैंने शुरू किया था और 9:03 हो गया, शायद बहुत लंबा हो गया, मगर इस लंबाई में कुछ तथ्य हमारे लोग को हाथ लगा होगा। केवल विस्तार नहीं है, इसमें कुछ मौलिक बातें लोगों को हमने बताने का प्रयास किया, ताकि लोग केवल जय जयकार ना कर सके और जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन कुर्बान किया, उसी काम को करने के लिए लोग तैयार रहे। इसके लिए ये ज्यादा समय लिया, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, इसके लिए धन्यवाद।